अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज तारिक। टुडे स्टोरी ऑफ द वीक ओपिनियन, बेसिकली दिस इज़ आवर ओपिनियन, माय एंड माय स्टूडेंट्स ओपिनियन अबाउट ट्रू लव एंड रियल मनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज नॉट ट्रू लव, व्हाट इज Not true love, क्या सच्चा प्यार नहीं है। First of all, I will tell you what is not true love. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या सच्चा प्यार नहीं है। पहली बात, पहला पॉइंट, true love is not love first sight. प्यार पहली नजर प्यार प्यार नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है। True love is not sex. सच्चा प्यार सेक्स नहीं है। True love does not need to explain that you love someone and you even don't need to say I love you. सच्चा प्यार का मतलब ये भी नहीं है कि आप explain करो कि आप किसी से प्यार करते हो, या उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उससे कहो कि I love you. किसी को वजाहत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उससे प्यार करते हो, या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार एक फीलिंग है, सच्चे प्यार को किसी चीज़ की मोहताजी नहीं होती। ट्रू लव डज नॉट मीन टू गेट समवन टू बी विद समवन। सच्चे प्यार का मतलब ये भी नहीं है कि किसी को हासिल करना, या किसी के साथ वक्त गुजारना, या किसी के साथ होना। ट्रू लव beautiful person, to love beautiful person is not true love. किसी खूबसूरत शख्स या खूबसूरत लड़की से प्यार करना भी सच्चा प्यार नहीं है। ये सारी वजाहत दूंगा, परेशान ना हो। टॉकिंग टू समवन, किसी से बात करना, और या क्लोज टू समवन इज आल्सो नॉट ट्रू लव। किसी के करीब होना या किसी से बात करना भी सच्चा प्यार नहीं है। इट्स माय ओपिनियन, आई एम नॉट आस्किंग योर ओपिनियन, इट्स माय ओपिनियन, जस्ट लिसन एंड देन डिसाइड व्हाट इज ट्रू। लुक एट समवन, किसी को देखना, और लाइक समवन डज नॉट मीन इट इज ट्रू लव। किसी को देखना, घूरना या पसंद करना भी सच्चा प्यार नहीं है। सो व्हाट इज ट्रू लव? सारी वजहें तो बता दी, प्यार सेक्स नहीं है, प्यार वजाहत का नाम नहीं है, प्यार आई लव यू का नाम नहीं है, प्यार किसी के साथ होना नहीं है, प्यार किसी को हासिल करना नहीं है, प्यार किसी के साथ रहना नहीं है, प्यार किसी खूबसूरत शख्स से प्यार करना सच्चा प्यार नहीं है, किसी से बातें करना प्यार नहीं है, किसी के करीब रहना प्यार नहीं है, और किसी को देखना और किसी को पसंद करना भी प्यार नहीं है। तो सर, प्यार है क्या? व्हाट इज ट्रू लव? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ट्रू लव। देयर आर थ्री लाइंस। ट्रू लव, अल्लाह लव्स यू। सच्चा प्यार वो है जो अल्लाह तुमसे प्यार करता है। ट्रू लव, पेरेंट्स लव यू। सच्चा प्यार वो है जो वालिदैन आपसे हमसे करते हैं, या अल्लाह हमसे करता है। थर्ड, इफ़ वी फॉलो अवर नबी ट्रेडिशन, अगर हम अपने नबी की पैरवी करते हैं, उसकी सुन्नत पर अमल करते हैं, दैट इज़ ट्रू लव, ये सच्चा प्यार है। मदर लव्स देयर चिल्ड्रन, दैट इज़ ट्रू लव। माँ अपने बच्चों से जो प्यार करती है वो सच्चा प्यार है। बट अल्लाह लव्स मोर देन 70% इफ़ यू कंपेयर मदर एंड अल्लाह लव। अगर आप माँ और अल्लाह का प्यार देखें तो माँ से ज़्यादा अल्लाह 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। टेक केयर समवन विदाउट एनी अवेरिक, किसी का ख्याल रखना प्यार है बेटा, लेकिन बगैर किसी ग्रीडनेस के, बगैर किसी लालच के। ये जो लफ्ज़ लिखा हुआ है अवेरिक, इसको कहते हैं लालच। टेक केयर समवन
विदाउट एनी अवेरिक कि किसी का ख्याल रखना बगैर लालच के, ये प्यार है। ट्रू लव्स मीन दैट टेक केयर समवन विदाउट एनी अवेरिक। सच्चा प्यार वो है जो आप किसी का ख्याल रखते हो किसी भी मतलब के बगैर, विदाउट एनी सेल्फिशनेस। ट्रू लव मीन्स टेक केयर समवन विदाउट सेल्फिशनेस, विदाउट टेकिंग एंड गिविंग। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ टेक एंड गिव। ये कोई लेन देन का काम नहीं है या लालच का काम नहीं है, मतलब पसंदी का काम नहीं है कि मुझे वो कुछ देगा मैं उसे कुछ दूंगा। इट्स नॉट ट्रू लव। ट्रू लव वो है जिसमें कोई लालच, जिसमें कोई हसद, जिसमें कोई मतलब पर मतलब ना हो। दैट इज ट्रू लव। लाइक योर पेरेंट्स एंड जैसे आपके वालिदैन हैं, लाइक योर पेरेंट्स, लाइक यू एंड लव यू इवन यू मेड अ मिस्टेक। आपके वालिदैन जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, चाहे आप गलती ही क्यों ना करते हों। वो आपको ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, या ये नहीं करते कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। चलो माँ बाप बोल सकते हैं ऐसा, लेकिन अल्लाह नहीं बोलता। लाइक अल्लाह, अल्लाह लव यू इवन यू कमिट सिन। अल्लाह आपसे प्यार करता है चाहे आप गुनाह ही क्यों ना करते हो। अल्लाह लव यू मोर देन एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है इस दुनिया में, चाहे आप गुनाह करो या उसकी नाफरमानी करो, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। बट वेन वी टॉक अबाउट लव वी ऑलवेज थिंक इट मस्ट बी बॉय और गर्ल। जब हमारी सोच हमारे जहन में ये आता है कि प्यार है, जब हम प्यार की बात करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं इट मस्ट बी आर बॉय आर गर्ल, कि लाजमन लड़का या लड़की होंगे। बट लेकिन वैन यू डू बैड थिंग आर नॉट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट आर गिविंग प्रॉपर टाइम। अगर लड़के लड़की की बात करें न्यू जनरेशन की, वैन यू डू बैड थिंग्स, अगर तुम कोई गलत काम करते हो, या फॉर एग्जाम्पल तुम किसी और से शादी कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरी शादी कर लेते हो, या मिसाल के तौर पे फुलफिल नॉट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी पसंद को पूरा नहीं कर पाते, या उसकी उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, टू नॉट फुलफिल देयर डिज़ायर विश। सो या गिविंग प्रॉपर टाइम, तीन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और सब सुनिएगा। अगर आप कोई गलत काम कर जाते हो, उसकी नाफरमानी कर जाते हो किसी इंसान की, या उसको उसकी उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, या उसको सही तरह वक्त नहीं दे पाते, वो लोग क्या करते हैं, इंसान क्या करता है, दे आर्ग्यू विद यू, वो बहस करता है तुमसे। इंसान क्या करता है, वो आपसे बहस करते हैं, एंड फाइट विद यू, आपसे लड़ते हैं। और सबसे अहम चीज़, इवन दे लेफ्ट जस्ट फॉर वन आर टू रीज़न, वो आपको छोड़ देते हैं एक या दो वजहों की वजह से, एक दो वजह की वजह से वो आपको छोड़ देते हैं। सो वी कैन से दिस इज फेक लव, नॉट ट्रू लव। तो मैं ये कह सकता हूँ प्राउडली, दिस इज नॉट ट्रू लव, दिस इज फेक लव। क्योंकि जो आपको छोड़ दे किसी वजह से, वो प्यार नहीं हो सकता, या जिसमें कोई मतलब हो वो प्यार नहीं हो सकता। मेरी एक बहन कहती हैं, लेक्चरर हैं, गवर्नमेंट जॉब करती हैं, बहन कहती हैं लव इज एनर्जी ऑफ लाइफ। लव एक एनर्जी है, जिंदगी की ताकत है। लाइफ इज लाइफ, लव इज लाइफ, प्यार जिंदगी है। बड़ा प्यारी लाइन लिखी, इफ यू मिस लव मिस लाइफ, अगर आप प्यार खो देते हो, प्यार को मिस कर दोगे तो जिंदगी को मिस कर दोगे, प्यार को खो दोगे तो जिंदगी खो दोगे। बट वट इज ट्रू लव, वट इज लव आफ्टर दिस
we come to know what the, we come to know that what is true love. Yeah, it likha what is true love. प्यार क्या है ये तो बात की बात है, लेकिन पहले सच्चा प्यार क्या है ये देखते हैं. डिफरेंट राइटर्स डिस्क्राइब लव इन डिफरेंट वर्ड्स एंड डिफरेंट थिंकिंग. वासिफ अली वासिफ सेट, डिफरेंट राइटर्स लिखने वालों ने, काफी काफी लोगों ने प्यार के बारे में मुख्तलिफ अल्फाज कहे, मुख्तलिफ सोचे बताई, मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया. उनमें से एक वासिफ अली वासिफ है, वो क्या कहते हैं, लव अल्लाह, लव विद अल्लाह इज नमाज. अल्लाह से प्यार करना नमाज है. लव विद पेरेंट्स इज काइंडनेस एंड फॉलो देम. माँ बाप से प्यार करना, उनकी खिदमत करना और उनको फॉलो करना है. अगर आप माँ बाप से प्यार करते हो तो उनको खुश रखोगे और उनको फॉलो करोगे, उनकी 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 बात पर अमल करोगे. लव इज व्हेन पेरेंट्स आर हंग्री. प्यार ये है जब वालिदैन भूखे होते हैं. व्हेन पेरेंट्स आर हंग्री, बट लेकिन दे ब्रिंग फूड फॉर देयर चिल्ड्रन. लेकिन जब वो भूखे होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए खाना ले आते हैं, खुद नहीं खाते लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं. दैट इज ट्रू. लव विच अल्लाह डू विद हिज मैनकाइंड. प्यार अल्लाह का जो है वो इस तरह है कि वो बंदों से करता है. अल्लाह डू विद हिज मैनकाइंड, प्यार जो अल्लाह बंदों से करता है. ही डिड नॉट सी वॉट हिज मैनकाइंड डूइंग फॉर हिम. अल्लाह ये नहीं देखता कि उसका बंदा उसे क्या दे रहा है या उसका बंदा क्या कर रहा है. वो कोई रीजन नहीं मांगता अपने प्यार का. वो ये भी नहीं मांगता कि मुझे कुछ दो. अल्लाह नहीं मांगता कुछ. ही जस्ट गेव अस एंड गिव अस अलॉट. वो हमें बस देता है और देता ही रहता है और लातादाद देता है, जो आउट ऑफ जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड. उसके बाद ही अंडरस्टैंड आवर नीड्स विदाउट सेइंग. वो हमें हमारे कहने से पहले हमारी बात समझ जाता है. ही अंडरस्टैंड आवर नीड्स. वो हमारी ज़रूरतों को समझ जाता है हमारे कहने से पहले. नाउ वी टॉक अबाउट talk about love of young generation. To according to my thinking, true love is respect. अब बात करते हैं हमारी नई generation की, जो according to my thinking, मेरे ख्याल के मुताबिक true love is respect. सच्चा प्यार इज्जत है. अगर इज्जत दोगे तो प्यार मिलेगा. If someone loves you truly, अगर कोई शख्स तुमसे प्यार करता है सच्चा, he or she save us from bad thing and tell about wrong and right. जो हमसे सच्चा प्यार करता है वो हमें बचाएगा, रोकेगा बुरी चीजों से और हमें बताएगा सही क्या है, गलत क्या है. if he really loves you, अगर वो वाकई में तुमसे प्यार करता है, देन फिर ही, इसका मतलब है एकदम से. इसका लफ्ज का तलफ्फुज सुन लें, अब्रॉप्टली. इसको तेजी में पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा प्रोनाउंसिएशन क्या हो रही है. अब्रॉप्टली, एकदम से या फौरन या ताखीर किए बगैर सेंड प्रपोजल टू योर फैमिली. वो आपके घर रिश्ता भेज देगा. ये नहीं सोचेगा कि मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए. नॉट वेस्टिंग टाइम इन वैगर. इसमें जो कुछ लोग इसको वल्गर पढ़ते हैं, ये वल्गर नहीं है, वैगर.
वैगर, सो इट्स प्रोनाउंसिएशन एल साइलेंट है इसमें, वैगर, फालतू, खराब या गवार चीज़ों को कहा जाता है, काम को कहा जाता है, फालतू टाइम वेस्ट करने वाली, सो नॉट वेस्टिंग टाइम इन वैगर एक्टिविटीज़। ऐसा शख्स जो आपसे प्यार करता है वो आपके वो वक्त बर्बाद नहीं करेगा टाइम पास में, फालतू वक्त में, फालतू चीज़ों में, गुनाह में। वो आपको देखे बगैर अगर एक नज़र देख लिया है वो आपसे बात नहीं करेगा बल्कि आपके घर रिश्ता भेजेगा। दैट इज़ ट्रू लव। ये बहन की थिंकिंग है। वॉट इज रियल मनी? इन्हीं बहन ने रियल मनी यानी पैसा क्या है उसके बारे में लिखा है। लेट्स सी। मनी इज मनी, दैट रियल मनी इज रिलेशन लाइक अवर फैमिली, पेरेंट्स, सिस्टर एंड ब्रदर। इफ यू हैव अ रिच पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बट इन प्रेजेंट एज वॉन्ट टू मेंटेन योर रिलेशन विद रिलेटिव्स, यू मस्ट हैव मनी। पीपल मेक रिलेशन विद दोज पीपल हु आर रिच बाय मनी, नॉट बाय हर्ट। दिस मनी रुपीज इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑल रिलेशन ऑफ लाइफ। वट डू यू अंडरस्टैंड? लेट मी टेल यू, मनी इज मनी, पैसा पैसा है, बट द रियल मनी इज रिलेशन। लेकिन सच्चा पैसा, सच्चा सच्चा जो हमारी कमाई है वो रिलेशन है, ताल्लुक ताल्लुक है। लाइक अवर फैमिली, जैसे कि हमारी हमारे घर वाले, लाइक फैमिली, पेरेंट्स, सिस्टर एंड ब्रदर। ब्रदर हमारे बहन भाई, हमारे वालिदैन, यही हमारी कमाई है। इफ यू हैव रिच पर्सन, इफ यू आर अ रिच पर्सन, अगर आप अमीर बंदे हो ऑफ द वर्ल्ड, इन द नहीं, यहाँ पे ये लिखा है कि अगर आपके पास ये रिलेशनशिप है तो यू आर द मोस्ट, या मैंने एक लाइन काटी थी इनकी, तो यहाँ पे एक लिखना ये चाहिए था जो मेरे से लाइन कट गई। इफ यू हैव दीज रिलेशन, अगर आपके पास ये ताल्लुक है, ये रिश्तेदार है, आपके साथ है, सो यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो आप सबसे बड़े, सबसे अमीर आदमी हो दुनिया के। बट इन द प्रेजेंट एज, इन द प्रेजेंट एज, लेकिन आज की दुनिया में, आज के वक्त में, वॉन्ट टू मेंटेन योर रिलेशन, अपने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए विद योर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से, यू मस्ट हैव मनी, आपके पास पैसा होना जरूरी है। पीपल मेक रिलेशन विद दोज पीपल हु आर रिच बाय मनी। लोग उनसे ताल्लुक बनाना पसंद करते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, नॉट बाय हार्ट, जो अच्छे बहुत होते हैं, जो पैसे वाले बहुत होते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं बनाना चाहते जिनके जिनका दिल अच्छा होता है। ये एक हकीकत है दुनिया की। द रुपीज इज नेसेसरी, द मनी इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑल रिलेशन ऑफ लाइफ। पैसा बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते, जिंदगी के रिश्ते के लिए। इफ यू हैव मनी यू हैव रिलेशन, अगर आपके पास पैसा है तो आपका रिश्ता है। एवरीथिंग इन लाइफ, और आपके पास सब कुछ है, अगर पैसा है तो रिश्तेदारी है, अगर पैसा है तो जिंदगी है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज प्रेजेंट वर्ल्ड वाइड फेनोमेनिया, ये बदकिस्मती से ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है, पैसा, जिसे हम जिसके बगैर ना कुछ, कोई हमारी इज्जत करता है ना कोई हमें सलाम करता है। अगर पैसा है तो सलाम, वरना भाड़ में जाओ। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। एक सऊदिया से बहन लिखती हैं, क्या लिखती हैं देखें, बहुत शॉर्ट है, ज़रा जल्दी पढ़ूंगा बिकॉज इसके बाद मैंने भी अपने बारे में बताया, मैंने भी अपना आर्टिकल लिखा है मनी के बारे में। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ पर्सन, इन द मॉर्निंग ही वेक अप अर्ली, एक बंदा जो सुबह उठता है, सुबह सवेरे जल्दी उठता है, एंड सेट हिज बैग विद अ लॉट ऑफ टूल्स, और अपना बैग टूल्स यानी चीज़ों से भरता है। सेट अवे टू द मार्केट, और मार्केट की तरफ जाता है। ओइंग टू हिज आउटलुक, और किसी काम को जहन बनाकर निकलता है। एवरीवन वॉचिंग हिम एज द मोस्ट इग्नोरिंग क्रीचर, हर कोई उसे इस तरह देख रहा होता है जैसे वो फालतू इंसान है, या हर कोई उसे नज़रअंदाज कर रहा होता है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। एवरी वेरी फ्यू पीपल टॉक टू हिम, बहुत कम लोग उससे बात करते हैं। एंड द टॉकिंग अबाउट जस्ट, और जो बात करते हैं वो सिर्फ यही बात करते हैं,
मेंडिंग शूज के जूते की मरम्मत करने की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। एट नाइट ही कलेक्टेड कॉइन्स, रात जब होती है तो उसको वो सिक्के जमा करता है, क्वाइंस जमा करता है। डेट वॉज फ्यू इन द कोल्ड वाटर नाइट, वो बहुत थोड़े से होते हैं ठंडी ठंडी यानी सर्द रात में, वो थोड़े से होते हैं। ही वैन बैक टू हिज होम विद अ पीसफुल कम्फर्ट हर्ट, इट्स अ रियल मनी। वो घर जाता है सकून सकून, दिल उसका सकून होता है क्योंकि उसने हलाल रोजी कमाई, इट इज रियल मनी। What is my opinion about real money? Let's see, you will enjoy this. Let's talk about real money. What do you earn by fair means? Whenever you earn money from right way, this is real money. अगर हम एक नजरिए से देखा जाए, जो भी हलाल कमाई है, हलाल तरीके से कमाया जाए, वो रियल मनी है। वेन एवर यू अर्न मनी फ्रॉम राइट वे, दिस इज अ रियल मनी। जो सही तरीके से पैसा कमाया जाए वो रियल मनी है। बट द मनी इज नॉट इनफ फॉर डिजायर और विश ऑफ थिंग्स। समटाइम्स यू गेट इरिटेट, यू टॉन्ट एंड गेट एंग्री ऑन योर लव वंस, योर चिल्ड्रन आर योर चिल्ड्रन, बिकॉज यू वी फॉरगेट दैट वॉट अल्लाह सेड इन सूरह इब्राहिम। हम क्या होता है, हम हक हलाल की रोजी तो कमाते हैं जो कमाते हैं, लेकिन एक मसला लो मिडिल क्लास यानी मेरे जैसे लोगों के साथ भी रहता है। द मनी इज नॉट इनफ फॉर डिजायर और विश ऑफ थिंक, कि जो पैसा होता है वो काफी नहीं होता ख्वाहिशात और चीजों के लिए, क्योंकि घर भी चलाना है और भी चीजें। समटाइम्स यू गेट इरिटेट, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आप गुस्सा आ रहा होता है आपको, आपकी हालत अजीब हो जाती है, यू टॉन्ट, आप ताना मारना शुरू कर देते हो, गेट एंग्री ऑन योर लव, आप अपनी वाइफ या अपने प्यार करने वाले पे गुस्सा होना शुरू हो जाते हो, या आप अपने बच्चों पे गुस्सा होना शुरू कर देते हो, बिकॉज वी फॉरगेट वट अल्लाह सैद सूरह इब्राहिम, क्योंकि हम भूल चुके हैं अल्लाह ने क्या कहा था सूरह इब्राहिम में, इफ यू गिव थैंक्स आई विल गिव यू मोर, इफ यू गिव थैंक्स आई विल गिव यू मोर, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा। वी नेवर से थैंक्स टू अल्लाह, वी ऑलवेज से गिव अल्लाह, नेवर से थैंक्स अल्लाह, थैंक्स अल्लाह, थैंक्स अल्लाह। हम हमेशा शुक्र अदा नहीं करते, बोलते दे अल्लाह दे दे, ना शुक्रापन करते, लेकिन ये नहीं करते या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये नहीं बोलते। इसलिए हमारी जो कमाईयों में है वो बरकत खत्म हो गई है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक हैप्पी समवन विदाउट मनी, ये बहुत मुश्किल है किसी को खुश करना बगैर पैसे के। सपोज इफ यू डोंट हैव क्लोथ शेल्टर फूड, आई एंश्योर यू दैट यू विल योर लव वन विल किक यू आउट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपके पास तीन, सपोज एक कहानी सपोज करें, इफ यू डोंट हैव क्लोथ, अगर आपके पास कपड़े नहीं है, शेल्टर छत नहीं है रहने के लिए, फूड खाना नहीं है आपके पास, आई एंश्योर यू दैट, मैं यकीन दिलाता हूँ, योर लव वन विल किक यू आउट, तुम्हारा प्यार करने वाला या तुम्हारा महबूब तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। सो क्या ये सच्चा प्यार है? नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सपोज यू आर बैगर, नोबडी विल से दिस आई लव यू एट फर्स्ट साइड, आई एम फॉल इन लव विद यू बिकॉज लव नीड ब्यूटी विद मनी, दिस इज नॉट लव। कभी आपने किसी भिखारी को आई लव यू कहा है? नहीं कहेंगे, क्योंकि भिखारी काला मुंह हुआ होता है, गंदे कपड़े पहने होते, फटे हुए कपड़े पहने होते, सो हाउ कैन यू से आई लव यू दैट पर्सन, बिकॉज आपकी सोच ही है प्यार है खूबसूरती, प्यार है पैसा। तो ये कैसे पैसा हो सकता है, जो चीज आपकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हो। लेट्स टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट माई लाइफ, बिकॉज आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड आई डोंट हैव इनफ मनी, वैन आई इनफ मनी टू फुलफिल माई रिक्वायरमेंट, आई डो नॉट हैव इनफ मनी टू बाय क्लोथ्स और गिफ्ट फॉर माई वाइफ। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं अपने कपड़े खरीदूँ या कोई गिफ्ट खरीदूँ अपनी वाइफ के लिए। नो सीरियसली आई डोंट हैव, बट वेन आई हैव माई वाइफ सैड टू मी, ओ वी शुड बाय फॉर अवर चिल्ड्रन,
हमें अपने बच्चों के लिए खरीदने चाहिए। छोड़ो, हम तो फटे हुए कपड़ों में भी रह लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे हैं जो अच्छे कपड़ों में नजर आने चाहिए। हमारी क्या, हमें कौन सा दुनिया ने देखना। ये सच्चा प्यार होता है। बट मुझे एक चीज की खुशी है, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय क्लोथ्स और गिफ्ट फॉर वाइफ। मेरे पास इतना पैसा नहीं होता कि मैं कोई तोहफा लूं अपनी वाइफ के लिए या कपड़े लूं। शी ऑलवेज स्माइल, वो हमेशा मुस्कुराती है, बिकॉज शी लव्स मी। इवन समटाइम्स वी डोंट हैव, इवन समटाइम्स वी डोंट टेक ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बट शी ऑलवेज विद मी। कभी कभी तो ये आलम होता है सीरियसली कि नाश्ता नहीं करते, लंच नहीं करते, डिनर नहीं करते। रीज़न कुछ भी है, पैसा है या खाना नहीं है, आटा नहीं है, कुछ भी है, कुछ भी है रीज़न, बट शी ऑलवेज विद मी। वो मेरे साथ हमेशा होती है, इन माई बैड टाइम, इन माई गुड टाइम, विदाउट विदा एम्प्टी एम्प्टी टमी, खाली पेट। शी स्लीप एंड आई स्लीप, खाली पेट सोते, बट नेवर थिंक अबाउट इट। समटाइम वी बाय वन प्लेट बिरयानी एंड ईट टुगेदर बिकॉज लीक ऑफ मनी। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जेब में सिर्फ 80 रुपये होते हैं, हम दोनों जाते हैं, एक प्लेट जाके खाते हैं, और एक प्लेट में कुछ इस तरह होता है कि वो ये सोचते, वो कम खाती है कि मैं ज़्यादा खा लूँ, और मैं कम खाता हूँ ये सोच के कि वो ज़्यादा खा ले। दैट इज़ ट्रू लव। समटाइम वी विश टू ईट फास्ट फूड लाइक क्वार्टर ब्रोस, बट वैन वी सी अवर पॉकेट देयर इज़ नो मनी, वी लुक एट ईच अदर एंड स्माइल। कभी कभार तो ये होता है कि मैं बोलता हूँ बेगम ब्रोस खाने चलते हैं, लेकिन जेब में देखते हैं पैसा सिर्फ 100 रुपये पड़ा हुआ है। नॉट हैव टू मच मनी टू बाय ब्रोस्ट। जब अपनी जेब में देखते हैं तो पैसे की कमी होती, पैसा नहीं होता, तो हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं। समटाइम आई टेल अ लाई टू माई वाइफ वाइल टेकिंग डिनर। कभी कभार डिनर के दरमियान, क्योंकि डिनर एक वाहिद होता है जो हम साथ करते हैं, और नाश्ता ब्रेकफास्ट, सो मैं उससे झूठ बोलता हूँ, आई कैन नॉट ईट वन मोर स्पून ऑफ बिरयानी या वन मोर पीस ऑफ ब्रेड, कि मैं एक और टुकड़ा नहीं खा सकता या एक और चम्मच नहीं खा सकता बिरयानी का, बिकॉज आई लव फॉर माई वाइफ। मैं छोड़ता हूँ अपनी बेगम के लिए कि वो खा ले। समटाइम्स शी फील्स, कभी कभार वो सोचती है, समटाइम्स शी फील्स आई एम एंग्री। वो सोचती है कि मैं ज़्यादा, मुझे भूख लगी है। शी टेल्स आई हैव ऑलरेडी ईटन अ लॉट ऑफ इन द इवनिंग। वो कहती है कि मैंने शाम को बहुत खा लिया, लेकिन मज़े की बात कि दोपहर का खाना बनता ही नहीं है। बट आई नो, बट नेवर से आई नो शी टेल्स अ लाई। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रही है, लेकिन आई स्माइल। दिस इज रियल मनी एंड ट्रू लव फॉर मी। सीरियसली, ये सच्चा प्यार है मेरे लिए। इट डजेंट मैटर आई डोंट हैव मनी, इट डजेंट मैटर आई डोंट हैव गिफ्ट फॉर माई वाइफ, फॉर माई पेरेंट्स, इवन आई डोंट हैव टाइम फॉर माई वाइफ। होल वीक, एवरी वीक आई जस्ट स्पेंड 20 या 30 मिनट्स टू टॉक, बट शी ऑलवेज विद मी एंड आई ऑलवेज से थैंक्स टू अल्लाह। मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल शी डजेंट हैव
पेशेंट, सो व्हाट विल बी माय रिएक्शन? अगर उसमें सब्र ना होता तो मेरा क्या हालत होती? बिकॉज इफ यू हैव नो मनी, इफ यू हैव नो नथिंग टू ईट, व्हाट विल योर रिएक्शन? यू विल लव दैट पर्सन फॉर एवर, बिकॉज दिस इज वेरी एक्सपेंसिव टाइम यू हैव टू पे. You have to pay a lot of things, but it's my thinking. I also thanks to my lovely wife. It's really, I also really, really thank you for my lovely wife, because she supported me. She supported me and never taunt at me, never blame me, never say I need something. But I am embarrassed sometime. मैं खुद शर्मिंदा हो जाता हूँ. Why don't I purchase something for my wife? क्यों नहीं खरीद पाता? Why I'm not able to buy? But we know each other. We love each other. We don't need to talk. We don't need to time. हमें वक्त की ज़रूरत नहीं है, हमें बातों की ज़रूरत नहीं है. We know each other. हम एक दूसरे को जानते हैं. That is true love. यह सच्चा प्यार है. और होप यू एंजॉय दिस लेसन. यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप. आई होप. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. अस्सलाम.